अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, रेस्टोरेंट वगैरह में आपने इसे ज़रूर ट्राई किया होगा, ज़रूर पसंद भी आया होगा। इसी तरह से आज मैं आपको ये घर पे बनाना सिखा रही हूँ, जिसका नाम है मैक्सिकन चिकन बर्गर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कम इन्ग्रीडियंट में बनने वाली रेसिपी, ज़रूर पसंद आएगी। तो चलो आगे चल के देखते हैं इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। रोजाना लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस हासिल करने के लिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक करें, ये बहुत ज़रूरी है। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे पास चिकन के फिले हैं, मेरे पास आप देख सकते हैं हाफ के जी मैंने चिकन के फिले लिए हैं और बिल्कुल उससे फ्लैट पीसेस करवा लिए। साथ ही हमें होइज़न सॉस चाहिए 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून, इसी के साथ वर्स्टरशायर सॉस चाहिए 1 टेबल स्पून, इसी के साथ टेरियाकी सॉस चाहिए 1 टेबल स्पून, लेमन जूस चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, गार्लिक चाहिए, फ्रेश गार्लिक पेस्ट या पाउडर कुछ भी यूज़ मत कीजिएगा, फ्रेश गार्लिक से इसका एक अच्छा सा टेस्ट आएगा 2 टीस्पून। साथ ही हमें मस्टर्ड पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मेरे पास चिकन मौजूद है, इसमें मैं सबसे पहले ये ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसमें हम होइज़न सॉस ऐड कर देंगे। होइज़न सॉस आपको किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाता है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ ही इसमें वर्स्टरशायर सॉस ऐड कर देंगे, साथ ही टेरियाकी सॉस है वो भी ऐड कर देंगे, मस्टर्ड पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही लेमन जूस है वो भी ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, गार्लिक है चॉप किया हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेश गार्लिक यूज़ कीजिएगा, पेस्ट या कुछ भी पुराना यूज़ मत कीजिएगा। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और फ्राई करते वक्त यह जल्दी से टेंडर हो जाए, जल्दी से कुक हो जाए। बर्गर को असेंबल करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें हमारे पास यह मौजूद है बर्गर बन, मैंने इस तरह के बर्गर बन्स लिए थे, आपको इजीली मिल जाते हैं। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है स्लाइस की हुई, मेयोनीज चाहिए हमें 2 to 3 टेबल स्पून, स्लाइस किया हुआ खीरा चाहिए हसब ज़रूरत, साथ ही हमें स्लाइस चीज़ चाहिए 3 to 4 स्लाइसेस। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से भी इजीली नोट कर सकते हैं। तो चलें इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, मेकिंग के लिए सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसके कोट करेंगे। कोट करने के लिए मेरे पास 2 अंडे फेटे में मौजूद हैं, साथ ही ये मैदा और ब्रेड क्रम है, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। सबसे पहले हम चिकन को अंडे में डिप करेंगे और देन फिर ब्रेड क्रम और मैदे के साथ कोट करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये मैंने इसे अंडे के साथ डिप कर लिया है। अब हम इसे मैदे और ब्रेड क्रम जो कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ है उसके साथ कोट करेंगे। अच्छी तरह से हर तरफ से कोट करेंगे। यही अमल हम एक और बार दोबारा दोहराएंगे। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम भी बना लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने तमाम फिले को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, उसे गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ये चिकन के फिले ऐड करूंगी, एक एक करके हम स्लोली स्लोली ऐड करेंगे ताकि तेल के छींटे आपके ऊपर ना उड़े। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ से हमारी चिकन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है, इसी तरह से दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम बर्गर को असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने बन के ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज और केचप लगा दिया था, साथ ही खीरा भी लगा दिया था। अब मैं इसमें ये स्लाइस चीज़ लगा रही हूँ। स्लाइस चीज़ आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, लाइक बर्गर चीज़ ले लें या सैंडविच चीज़ ले लें,
या चेडर चीज़ ले लें वो भी आप ले सकते हैं, किसी भी तरह का आप चीज़ ले सकते हैं वो लगा दें। साथ ही इसमें हम चिकन का फिले जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ है वो लगा देंगे। खीरा है मेरे पास स्लाइस किया हुआ, वो भी ऐड कर देंगे। और साथ ही मेरे पास मशरूम और प्याज है, मैंने हल्की सी ऑयल के साथ इसे सौते कर लिया था, वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा रख देंगे। हमारा ये बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसी तरह से हम बाकी के तमाम भी बना लेंगे और इसे फ्राइज और कोल्सलो के साथ सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा ये मैक्सिकन चिकन बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। अगर आप मुझसे कोल्सलो की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आपको मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, आप वहाँ से मेरा चैनल डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन रोज़ाना मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।